तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है, और इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन, और इसकी मतलब चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है फराडे, ठीक है, और 1 फराडे में 96500 कूलम्ब होते हैं। अब आप इस रिलेशन को याद करोगे और फराडे को कूलम्ब में और कूलम्ब को फराडे में बदलना सीख जाओगे यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आजकल एनटीए पूछने लगा है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं ये चीज़ें भी कवर कराऊँ आपको, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज। चलिए देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। देखो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखो, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो अब हम यहाँ से डायमेंशन बना लेंगे। डायमेंशन जब भी लिखते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं और एम्पियर को एम्पियर की पावर 1 इस तरह से लिखेंगे और सेकंड को टी से डिनोट करेंगे और पावर 1। तो डायमेंशन निकालना आपने सीखा होगा, बस मैंने बता दिया ताकि आपका रिविज़न हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, देखो फोर्थ पॉइंट में लिखो, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सिंपल सा आपसे पूछा जाएगा, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या एक्सट्रिंसिक, तो आप बता देना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा ना समझा रहा, बस पॉइंट ध्यान रखो, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यही आपके काम में आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है, पढ़ा होगा यार आपने 11th में या 10th में, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको समझाने के लिए पहले आपको एटम का सिनेरियो पता होना चाहिए। देखो एटम के सेंटर पे होता है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब जो एटम के सेंटर में होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और चारों तरफ उस न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन टहल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से शेल्स होते हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो एक एटम का स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बाकी जो बाहर है उस बाहर की तरफ शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, और न्यूक्लियर फोर्स
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, मतलब न्यूट्रॉन, मतलब इस एटम में आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक फोर्स जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, कहने का मतलब ये है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, और आपको मालूम है वन प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव ई। तो जितने, अगर किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, वो प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव ई। जब अगर मान लो पाँच प्रोटॉन है तो उन पर प्लस पाँच ई चार्ज होगा और पाँच इलेक्ट्रॉन है तो उसमें निगेटिव ई चार्ज होगा। अभी ये ज़ीरो आ जाएगा ना, मतलब देखो किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, जितने मतलब प्रोटॉन पर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, तो जो नेट चार्ज आ जाएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन किसी भी चार्ज स्पेसीज में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं या डाल देते हैं। जब भी हम किसी भी चार्ज मतलब न्यूट्रल स्पेसीज में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है। इसको मैं समझाता हूँ। मान लो एक कोई भी न्यूट्रल एटम है, ठीक है, उसके पास पाँच प्रोटॉन है प्लस पाँच इलेक्ट्रॉन है। शुरू में पाँच प्रोटॉन पर चार्ज आ जाएगा प्लस पाँच ई, वन ई जानते होगे आप, वो प्लस पाँच इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आएगा निगेटिव फाइव ई। तो शुरू में तो ज़ीरो चार्ज बन रहा है क्योंकि न्यूट्रल स्पेसीज है। लेकिन मान लो इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे, बाकी इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें नेट चार्ज आ गया ई, सॉरी प्लस ई। देखो मतलब अगर आपने किसी भी न्यूट्रल स्पेसीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो। और अगर वहीं आपने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल लिए, मतलब आपने प्रोटॉन को छेड़ा भी नहीं लेकिन फाइव इलेक्ट्रॉन की जगह सिक्स इलेक्ट्रॉन कर दी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया इस न्यूट्रल स्पेसीज में, तो ये चार्ज आ जाएगा निगेटिव ई। इसका मतलब है निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब किसी भी बॉडी में से हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, और निगेटिव चार्ज तब आता है जब किसी भी बॉडी में हम एक इलेक्ट्रॉन को या काफ़ी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए, ऐसा तो मुश्किल कॉन्सेप्ट था नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम सिक्स पॉइंट देखेंगे को, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब देखो पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा है, निगेटिव है निगेटिव है तो भी रिपेल कर रहा है, लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सिंपल सी बातें हैं भैया। ठीक है, अब सेवेंथ पॉइंट पर देखेंगे अपन लोग, को चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली मैनर, मतलब चार्ज को हम ऐड करते हैं अलजेब्रिकली मैनर में। मतलब कुछ नहीं, मान लो पाँच कूलम चार्ज शुरू में था, अब इसमें हमने तीन कूलम चार्ज और जोड़ दिया तो ये पाँच प्लस तीन आठ कूलम हो जाएगा। सिंपल सा इसका मतलब ये है, मान लो पाँच कूलम चार्ज किसी भी बॉडी पे पहले से ही था, इसमें से हमने तीन कूलम चार्ज निकाल लिया तो इस पर टू कूलम चार्ज हो जाएगा। समझ लो ना इसका मतलब कितना सिंपल है, और अभी हम कितना सिंपल चीज़ें सीख रहे हैं। चलिए, ये सेवन्थ पॉइंट था, अब हम एट पॉइंट देखेंगे। चलिए देखो, मान लो कोई भी बॉडी है, मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और ये एक और बॉडी है, ये भी न्यूट्रल है,
ठीक है, तो न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज जीरो होगा, इस पे भी चार्ज जीरो होगा। लेकिन मान लो हम इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर इस वाली बॉडी पर दे दिए, हमने मान लो एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इस पे प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा। मैंने बताया था किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर माइनस चार्ज आता है, माइनस एन। अरे बहुत सिंपल है यार, इस बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पर प्लस एन ई चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी पे एन इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर माइनस एन ई चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, वन इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। हाँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना मास होता है। अब सोचो, हमने इस बॉडी में से कुछ n इलेक्ट्रॉन उठाए हैं, इस बॉडी पर दे दिया, तो जाहिर सी बात है इस बॉडी का मास डिक्रीज हो जाएगा ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जाहिर सी बात है इस बॉडी पर जब हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हुई? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं मतलब कुछ मास निकाला है, तो इस पे मास कम हो जाएगा, इस पे डाला है तो मास बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए हम 9 पॉइंट पर चलते हैं। चलिए देखो, सॉरी, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, ये लाइन समझो। देखो तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी कोई भी बॉडी के पास मास है तो चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे कुछ बॉडी न्यूट्रल होती हैं तो उनके पास मास होता है, चार्ज नहीं होता, कुछ बॉडी के पास मास होता है, चार्ज भी होता है, समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन कोई भी आपने ऐसी बॉडी नहीं देखी होगी कि किसी के पास मास तो है भैया लेकिन चार्ज, सॉरी, किसी भी कोई भी बॉडी आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसके पास मास नहीं है वो चार्ज है। बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज तभी होगा जब मास है, लेकिन मास बिना चार्ज के भी हो सकता है, ठीक है। अब हम 10th पॉइंट देखेंगे। 10th पॉइंट बहुत सिंपल सा है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब है कि मान लो किसी भी बॉडी पर 5 कूलम चार्ज है, अब हम उसको चाहे मूव करें या रेस्ट करें तो उसका चार्ज 5 कूलम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मूव करने पर 6 कूलम हो जाएगा, 4 कूलम हो जाएगा, नहीं, मास स्पीड के साथ बदलता नहीं, सॉरी, चार्ज स्पीड के साथ बदलता नहीं है, इसका मतलब यह है। जबकि आपने पढ़ा होगा मास इज वेरिएंट, मतलब मास बदलता है स्पीड के साथ। अगर आप रेस्ट पर हैं तो आपका मास कुछ और होगा, अगर आप चलने लगेंगे तो आपका मास कुछ और होगा। और इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन से हम जस्टिफाई करते हैं। देखो, मास मूविंग इज इक्वल टू मास एट रेस्ट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c². अरे यार, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। तो सिंपल सा इतना ध्यान रखना है, चार्ज स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं उसका, मास बदलता है स्पीड के साथ। अब देखो, अगर यहाँ पर स्पीड बढ़ाओगे तो मूविंग मास भी बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 11th पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, उस पर चलते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो, किसी भी बॉडी पर चार्ज हो सकता है प्लस माइनस एन ई, हाँ, और यहां पर एन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, इसी तरह से इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होती, जैसे 1.5 नहीं होती, 3.2 नहीं होती, 4/5 नहीं होती,
3.7 नहीं होती, समझ रहे हो ना, वो फ्रैक्शन में नहीं होती। इंटीजर वैल्यू का मतलब है सिंपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और यहां पर क्यू है चार्ज और ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी। तो मान लो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया कि चार्ज 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब है, तो बताओ क्या ये चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया, चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब है, तो बताओ ये चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से दिया, क्यू इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻¹⁹, बताओ ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखो हमने पढ़ा था ये वाला रिलेशन, चार्ज इज इक्वल टू एन ई। अब देखो आपको चार्ज दिया है, वन इलेक्ट्रॉन पर आपको चार्ज पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। अगर एन की वैल्यू इसको सोल्व कर इंटीजर आ गई, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आई, तो यस किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल है। अगर वो फ्रैक्शन में आ गई, नो इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। चार्ज कितना है 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम इज इक्वल टू एन इंटू वन ई का चार्ज कितना होता है, मैंने बताया था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चलिए अब देखो 10⁻¹⁹ से 10⁻¹⁹ खत्म हो जाएगा, वो 1.6 को 6.4 से काटोगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यस 4 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 1.6 × 10⁻¹⁰ कूलम, ठीक है इतना चार्ज दिया है, अब n आपको निकालना है, वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, ठीक है 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 10⁻¹⁹ से 10⁻¹⁰ को काटोगे तो n इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, इसको आप 0.1 भी लिख सकते हो। तो देखो ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, ये फ्रैक्शन में आ रही है, तो नो ये वाला चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही, ठीक है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3.2 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू एन, इससे ये काटो इससे ये काटो तो एन इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक इंटीजर वैल्यू है, तो हाँ ये वाला चार्ज भी पॉसिबल है किसी भी बॉडी पर। देखो ये वाला चार्ज मतलब इसकी इसको जब हम सोल्व करते हैं तो एन की वैल्यू 4 आई, मतलब 4 इंटीजर है, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल है। जब हमने इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करा तो इसकी वैल्यू नॉन इंटीजर आई, फ्रैक्शन में आई, तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। जब हमने इसको सोल्व करा तो 2 आई n की वैल्यू, और 2 एक इंटीजर है, तो यस ये भी पॉसिबल है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।